हेलो गाइस, माय नेम इज शिव कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। सब्जेक्ट हमारा पीपीयू, चैप्टर हमारा स्टीम जनरेटर। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हम समझाया था कंडेंसर को। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिंपल वर्टिकल बॉयलर। ठीक, सिंपल वर्टिकल बॉयलर ये हमारा फिगर है सिंपल वर्टिकल बॉयलर का, इसे समझ लो बढ़िया से। ठीक, ये भरा हुआ है हमारा वाटर। ठीक, ये हमारी क्लोज ट्यूब। ठीक, यहाँ तक ये हमारी स्टीम को दर्शा रहा। ठीक, स्टीम को दर्शा रहा। ये भाग हमारा क्या है, ग्रेड है। और यहाँ पर ग्रेड के ऊपर क्या है हमारा, ये हमारा फीड। ठीक, ये क्या हमारा फीड, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फीड को जलाया जाता है। किसके ऊपर जलाया जाता है, ग्रेट। ग्रेट मतलब जाली। जब जाली फीड को जाली पर जलाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो वेस्ट होगा वो कहाँ छन के नीचे, जाली से छन के कहाँ पहुँचेगा, हमारा एच पिट में। जो हमारा जो वेस्ट जो राख वगैरह रहेगी वो हमारी कहाँ निकलेगी, किसमें, एच पिट में। जब ये यहाँ पर फायर बॉक्स में जब फ्यूल हमारा बर्न होगा तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। जब ये हुई हीट उत्पन्न होगी तो कहाँ जाएगा, ये ट्यूब वगैरह बॉयलर में ये भाग क्या करेगा, हीट होगा। जब हीट होगा तो वाटर कैसा होगा, गर्म होगा। तो ये क्या होगा, गर्म। ये हमारी क्रॉस ट्यूब है। जब ये गर्म होगा पानी एक लिमिट टेम्परेचर एक निश्चित ताप पे जाएगा तो क्या होगा, पानी कन्वर्ट किस में होने लगेगा, स्टीम में, भाप में चेंज होने लगेगा। तो हमारी ये क्या है, वाटर। तो ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, स्टीम में। और हमारे जो धुआं वगैरह है वो धुआं कहाँ से निकल जाएगा, एग्जिस्ट टू एटमोसफेयर, ये चिमनी की तरह बाहर निकल जाएगा। अब हम समझते हैं इसके पार्ट सारे। ये हमारा है वाटर लेवल इंडिकेटर, ये दर्शाता है हमारे बॉयलर के अंदर वाटर कितना है, किस लेवल पे है, इस चीज़ को। ये हमारा है प्रेशर गेज, ये हमारा स्टीम का प्रेशर को दर्शाता है कि कितना कितने प्रेशर है स्टीम का बॉयलर के अंदर, जो बॉयलर में स्टीम बनी है उसका प्रेशर कितना है। ये हमारा सेप्टिक बल्ब, सेप्टिक बल्ब का क्या काम रहता है बॉयलर में, सेप्टिक बल्ब का बॉयलर में क्या काम रहता है, एक निश्चित ताप पर एक इस, ये सेप्टिक बल्ब इसका क्या काम रहता है बॉयलर में, जब बॉयलर में स्टीम का प्रेशर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उसकी सतह की सहन करने की क्षमता से अधिक हो जाता है, तब बॉयलर के किसी भी टाइम ब्लास्ट होने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अतः इसीलिए बॉयलर को बचाने के लिए हम सेप्टिक बल्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमारी चिमनी है, चिमनी का क्या काम रहता है, जो हमारे गैसेस होते हैं जो फ्यूल जलता है उसकी वेस्ट गैसेस होती है वो क्या होता है, बाहर निकालने के लिए। कहाँ से निकलती है, चिमनी से। अब आता है हमारा स्टीम स्टोव बल्ब, इसका क्या वर्क रहता है, ये स्टीम को यूज करने के लिए काम आता है। ठीक, क्या था, ये हमारा स्टीम स्टोव बल्ब, इसका क्या कार्य रहता है, ये बल्ब स्टीम ट्यूब से स्टीम इंजन में स्टीम की सप्लाई को कंट्रोल करता है, या हम कहें जहाँ हमें ज़रूरत होती है तो स्टीम के लिए हम कहाँ से निकालते हैं, बॉयलर से बाहर, स्टीम स्टोव बल्ब से। ये हमारा मेन होल, मेन होल का क्या कार्य रहता है, मेन होल का कार्य रहता है बॉयलर के अंदर मरम्मत या सफाई के लिए, जहाँ से आदमी या कोई भी अंदर जा सकता हो या कोई भी मरम्मत की जा सकती है, तो वो किस गेट से किस होल से घुसेगा बॉयलर के अंदर,
वो मैन होल के मैन होल से, ये मैन होल है MAIN मैन होल, ठीक। ये हमारे हैंड होल या ऐसे बोल सकते हैं क्रॉस ट्यूब, ये हमारी है क्रॉस ट्यूब, ठीक। अब आता है पायर्ड होल, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये है फीड चेक बल्ब, ठीक, फीड चेक बल्ब, यहाँ से हम क्या करते हैं फीड को वॉलर में फीड को देते हैं, ठीक। समझ में आ गई ये सभी चीज़। ये इट इज़ ए लो प्रेशर फायर ट्यूब वॉलर है, ये इट इज़ ए लो प्रेशर फायर ट्यूब वॉलर है, ठीक। हेलो, ये इट इज़ ए लो प्रेशर फायर ट्यूब वॉलर है, ठीक। इसके सिंपल वर्टिकल वॉलर में, इस वॉलर में एक सिलेंड्रिकल सेल होता है, ठीक। ये कैसा सिलेंड्रिकल सेल है, सेल के मेजर हिस्से में, मेजर हिस्सा कौन सा, बड़ा हिस्सा, ये मेजर हिस्से में क्या भरा हुआ है, वाटर फीड है, मतलब जल भरा हुआ है, ठीक है, जो फायर ट्यूब को घेरता, जो फायर ट्यूब कौन सी हमारी, ये क्या करता है, घेरता है, वाटर हमारा घेरता है, ठीक। सिलेंड्रिकल सेल के ऊपरी हिस्से में, सिलेंड्रिकल सेल के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्सा कौन सा, ये वाला, तो ऊपरी हिस्से में स्टीम के लिए छोड़ दिया जाता है, स्टीम के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फायर बॉक्स हमारा सिलेंड्रिकल सेल के कहाँ है, नीचे की ओर होता है, तो फायर बॉक्स हमारा कौन सा, ये है फायर बॉक्स, फायर बॉक्स हमारे सिलेंड्रिकल सेल के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। उसके नीचे ग्रेट होती है, ग्रेट क्या काम करती है, जो हमारी राख वगैरह होती है, जो फ्यूल जलता है तो जो राख वगैरह होती है उसे छान के कहाँ कहाँ आती है, एयर स्पीड में, एयर स्पीड से हम क्या करते हैं उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फायर बॉक्स के जस्ट नीचे क्या होता है, ग्रेट होती है, ग्रेट, ये क्या हमारा ग्रेट, ये पार्ट क्या ग्रेट, ठीक। और ग्रेट के नीचे क्या होता है हमारा एयर स्पीड, एयर स्पीड, एयर स्पीड का क्या कार्य रहता है, एयर स्पीड से जो हमारे राख वगैरह होती है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा है सिंपल वर्टिकल वॉलर, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, सिंपल वर्टिकल वॉलर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, ओके।